सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं फिर से स्टडी नॉलेज के चैनल में। मैं अनिल कुमार यादव सूरज वाराणसी से। स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, इंग्लिश, कोई भी हो, यदि उसको आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। इन सभी का वीडियो मैं बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, आप देखकर अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सभी वीडियो देखने के लिए हर एक वीडियो के लास्ट में एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। स्वागत करते हैं फिर से क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न्स ऑफ व्यू मैट्रिक्स प्रश्नावली 3.3 आज की वीडियो बनाया जा रहा है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था 3.2, 3.1, उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 3.3 के पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन लिख रहा है वो है, निम्नलिखित अव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन इसके हैं, परिवर्त ज्ञात करने हैं। तो आपको परिवर्त हम समझा देते, परिवर्त होता क्या है। परिवर्त इज इक्वल टू कह सकते हैं ए डैश। अगर मान लीजिए परिवर्त को ए कहते हैं तो उसका ए डैश ही हो जाएगा परिवर्त। इस चीजों को दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो परिवर्त पूछे या ए डैश पूछे, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है 5 1/2 - 1, इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है। तो देखिए 5 1/2 और -1, इसका जो परिवर्त हो जाएगा वो हो जाएगा 5 1/2 और -1। कहने का मतलब इस कॉलम को हमें रो में चेंज कर देना है, वही हमारा हो जाता है परिवर्त। अब आते हैं सेकंड पे। तो इसका जो सेकंड है वो है -1 और 2 -3। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका परिवर्त हो जाएगा 1 -1 और 2 -3। मतलब इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, वो हो जाएगा परिवर्त। इसी तरह तीसरे को चेंज करते हैं, तो तीसरा जो हमारा दिया गया उसको हम डायरेक्ट चेंज करते हैं, -1 5 6 √3 5 6 एंड लास्ट है 2 3 -1। ये हमारा डायरेक्ट का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने यहाँ पे परिवर्त कर दिया है। किसका है ये? ये है इसका, तीसरे नंबर का। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a = मान दिया है तथा b = दोनों का मान दिया है a और b का, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी पावर डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये हमें ज्ञात करना है। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, a माइनस बी डैश पावर a पावर डैश माइनस b पावर डैश। तो इन दोनों क्वेश्चन में अगर किसी एक को हम बता देते हैं तो आप दूसरा कर लेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को बताते हैं, सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को बताते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी के पावर डैश है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले a प्लस बी ज्ञात करना पड़ेगा। a प्लस बी मतलब a की वैल्यू रखना है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये हो गया a की वैल्यू। अब प्लस b की वैल्यू रखेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया b की वैल्यू। इन दोनों को ऐड करना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको जोड़ हम पहले बता दिया 3.2 प्रश्नावली में, पहले ही बता दिया, हम यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5 3 -2 6 9 9 एंड -1 4 2। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ लिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ लिया मैंने। तो ये चीजें जो आई है वो है a प्लस बी की वैल्यू, लेकिन हमें a प्लस बी के पावर डैश चाहिए। तो ज्ञात करते हैं a प्लस बी की पावर डैश, मतलब इस a प्लस बी का परिवर्त ज्ञात करना है। तो उसका परिवर्त क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं -5 3 2, मतलब इस रो को कॉलम में हमें चेंज कर देना है। फिर ये हो जाएगा 6 9 9 और यहाँ पे -1 4 2, ये हो गया a प्लस बी की पावर डैश का। अब हमें राइट हैंड साइड क्या सिद्ध करना है, राइट हैंड साइड सिद्ध करना है a पावर डैश प्लस बी पावर डैश। तो निकाल लेते हैं, सबसे पहले a इज इक्वल टू दिया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1,
ये है ए की वैल्यू, तो इसका ए पावर डैश क्या हो जाएगा, इसका ए डैश हो जाएगा माइनस 1, 2, 3, 5, 7, 9 एंड माइनस 2, 1, 1, ये हो गया ए डैश। सेम इसी प्रकार से हमें बी की वैल्यू जो दिया गया है वो है माइनस 4, 1, -5, 1, 2, 0 एंड 1, 3, 1, ये दिया है बी की वैल्यू। अब इससे हमें ज्ञात करना है बी डैश, तो बी डैश इसको परिवर्तित कर लेते हैं माइनस 4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1, ये दोनों मिल गया ए डैश बी डैश। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, एड करना है, जोड़ना है, तभी इसका आंसर आएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं ए डैश प्लस बी डैश। अब ए डैश प्लस बी डैश को हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, तो ये है ए डैश और ये है डी। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, माइनस 5, 6, -1, 6, 9, 9, सॉरी यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक है, इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ते हैं माइनस 1 और माइनस 4 को जोड़ देंगे माइनस 5 आ जाएगा 6, -1, ठीक है 3, 9, 4 एंड 2, 9, 2, ये आ जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। अब देखिए ये मान देखिए उठाकर राइट हैंड साइड का, और एक हमारा ये मान देखिए लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों इक्वल टू है इसलिए ये प्रूफ हो गया। इसी तरह सेम क्वेश्चन सेकंड और जो नंबर है, तो सेकंड क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन है बस उसमें माइनस दिया गया, आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि ए डैश बराबर मान दिया है और बी इज इक्वल टू ये मान दिया है, तो सत्यापित करना है पहला ये क्वेश्चन है दूसरा ये क्वेश्चन है, इसमें भी हम दोनों में से किसी एक को बता देते हैं तो दूसरा आप कर लेंगे। चलिए पहले को बताते हैं, पहले के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ए प्लस बी के पावर डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, मतलब ए प्लस बी पहले ज्ञात करना है उसके बाद उसको डैश कर देना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ये ए डैश का दिया है, ए का मान नहीं दिया है, हमें पहले ए निकालना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ए डैश का मान दिया है 3, 4, -1, 2, 0, 1, ये दिया है ए डैश का मान, इससे हमें ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो मिल जाएगा 3, -1, 0, 4, 2, 1, ये ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है इसको मैंने परिवर्तित कर दिया, ए की वैल्यू मिल गया। और बी की वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है वो लिख लेते हैं, ये है बी की वैल्यू। अब इन दोनों से हमें क्या करना है, पहले जोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हम ऐड करते तो हमें मिल जाएगा 2, 1, 1 एंड 5, 4, 4, हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया इन दोनों को, आप ऐड करना सीख चुके होंगे 3.2 में। अब इन दोनों का परिवर्त ज्ञात करना है, इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2, 1, 1, 5, 4, 4, ये मिल जाएगा इसका परिवर्त, ठीक है परिवर्त तो मिल गया। अब हमें राइट हैंड साइड देखना है, राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड जो हमें सिद्ध करना है वो है ए डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले ए डैश का मान जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 3, 4, -1, 2, 0, 1, ये तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है किसका, ए डैश प्लस बी डैश का। अब प्लस बी डैश की वैल्यू निकालना, तो बी डैश को जो क्वेश्चन में दिया गया हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको हम परिवर्तित कर लेंगे तो हमें वो मिल जाएगा बी डैश का। तो परिवर्तित करते हैं माइनस 1, 2, 1, 1, 2, 3, ये मैंने परिवर्तित कर लिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, 1, 1 एंड 5, 4, 4, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए ये दोनों इक्वल टू बराबर लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। सेम इसी प्रकार से आपको दूसरे क्वेश्चन करने हैं, ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आप कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, आपको फिर से बताया जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए इज इक्वल टू दिया है माइनस 2, 3, 1, 2 तथा बी इज इक्वल टू का मान दिया है, तो ए प्लस 2b पावर डैश ज्ञात कीजिए। अब हमें ये ज्ञात करना, तो सबसे पहले a प्लस 2b हमें ज्ञात करना है, ये अगर ज्ञात कर लेंगे तो उसका इनवर्स हम डैश हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं, तो a की वैल्यू जो पहले हम 2b ज्ञात कर लेते हैं, मतलब b की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो माइनस 1, 0, 1, 2, ये है b की वैल्यू, उसमें 2 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब सभी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा टोटल 2b की वैल्यू, तो 2b की वैल्यू मैंने ज्ञात कर लिया। अब निकालते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू, a की वैल्यू है माइनस 2, 3, 1, 2 प्लस
टू बी की वैल्यू मैंने ये निकाला है माइनस 20 और 24। अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस 2b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 1 एंड 5 6। ठीक है, इस तरह मैंने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसका हमें डैश ज्ञात करना है, मतलब a प्लस 2b उसके पावर डैश, उसका डैश ज्ञात करना है जिसको परिवर्तित कर देना है, माइनस 4 और 1 ये हो जाएगा और 5 6, मतलब रो का कॉलम है कॉलम का रो में चेंज कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा है ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी पावर डैश बराबर बी डैश ए डैश, जहां दिया है पहला क्वेश्चन ए इक्वल टू दिया है और बी का मान दिया है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी दिया है ए इक्वल टू ये है बी इक्वल टू ये है, तो इन दोनों में भी अगर हम पहले क्वेश्चन को बता देते हैं तो दूसरा आप कर लेंगे, तो हम पहले क्वेश्चन को बता देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ए की वैल्यू बी की वैल्यू दिया, तो सबसे पहले हमें ए बी ज्ञात करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए मिला है ए बी पावर डैश, तो ए बी ज्ञात करेंगे तो उसका डैश हम ज्ञात कर लेंगे, तो चलिए ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए का वैल्यू है माइनस 143 ए की वैल्यू है, अब बी की वैल्यू है माइनस 121 ये है बी की वैल्यू, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये क्या है 3/1 के क्रम का है, ये 1/3 के क्रम का, तो इन दोनों से जो हमारा आंसर आएगा वो 3/3 के क्रम का आएगा, तो उसको हम गुणा कर लेते हैं 1-1 1×2 1×1 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4-1 -4×2 -4×1 यहाँ पे हो जाएगा 3-1 और ये हो जाएगा 3×2 और ये 3×1 इस तरह हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें कैलकुलेट कर लेना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 1×2 ये हो जाएगा 4-8-4 और ये हो जाएगा माइनस 3×6 3। इस तरह से मैंने ये निकाला है वैल्यू ए बी का, ए बी की वैल्यू तो निकल गई लेकिन हमें याद करना है ए बी के पावर डैश, तो इसको परिवर्तित करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 1 4-3 एंड 2-8 6 और यहाँ पे हो जाएगा 1-4 3। ये मैंने इसको परिवर्तित कर लिया, तो ये तो है टोटल लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब हमें राइट हैंड साइड चाहिए, तो राइट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए, b' a' चाहिए, तो इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, b की जो वैल्यू है और a की वैल्यू उसको रख लेते हैं, उसका परिवर्तित कर लेते हैं। तो b की जो वैल्यू है वो है माइनस 1 2 1 ये है b की वैल्यू, और a की वैल्यू जो है 1 4 1-4 3 ये है b की वैल्यू a की वैल्यू, लेकिन इसका हमें क्या चाहिए, डैश डैश चाहिए, तो डैश कर लेते हैं माइनस 1 2 1 ये है b डैश और इसको लिखेंगे 1-4 3 ये है a डैश, इसको मैंने परिवर्तित कर लिया। अब इन दोनों को भी क्या करना है, गुणा कर लेना, तो गुणा करेंगे तो इन दोनों को भी गुणा करना है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा माइनस 1 4-3 2-8 6 एंड माइनस 1 यहाँ पे मैंने भूल गया लिखना माइनस 1 एंड माइनस 4 3। ठीक है, ये चीजें मिल जाएगा इसका b डैश a डैश। अब देखिए ये है राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड का वैल्यू और ये है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, तो ये दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो इससे हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जो सेकंड क्वेश्चन दिया है इस सेकंड क्वेश्चन को आपको हल कर लेना है, सेम इसी प्रकार से किया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में दो क्वेश्चन है पहला और दूसरा। पहला है यदि a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए a डैश a इज इक्वल टू i, प्रथमक अभ्यूह के लिए पूछ रहा है। चलिए ज्ञात करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, पहला अगर बता देते हैं तो दूसरा आप कर लेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस इसमें मान चेंज है, यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन, साइन है कॉस, बस ये परिवर्तित है, बाकी नीचे का भी थोड़ा सा परिवर्तित है। चलिए हल करते हैं पहले क्वेश्चन से, तो पहले क्वेश्चन से हम हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, a डैश a है, उसको हमें हल करके लाना है i, तो हमें सबसे पहले a डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो a डैश की जो वैल्यू हो जाएगी हमारा, देखिए a की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, इसको a डैश में बदलना है, तो a डैश में इसको बदल लेते हैं तो हमें मिल जाएगा cos अल्फा और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा cos अल्फा,
ये चीजें मुझे मिल गया ए डैश का, और ए की वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है, ए की वैल्यू दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, और ये है कॉस अल्फा, ठीक है। ए डैश का मान दिया था मैंने, ए डैश ए का मान दिया है, ए डैश मैंने निकाल लिया। अब इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए डैश ए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं डायरेक्ट इन दोनों का, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिल जाएगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, और प्लस माइनस साइन अल्फा, ये दोनों मिल जाएगा। उसके बाद इस साइड भी मिलेगा, तो इस साइड हम कर लेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब नीचे आते हैं, तो नीचे हमें मिल जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया इस साइड का। और इस साइड मिलेगा हमें साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा, ये चीजें मिल जाएगी। अब इन दोनों से हमें हल करके क्या मान निकालना है, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा ये इनटू है बीच में, कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा अब प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे नीचे भी हो जाएगा जीरो कट के, और यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये चीजें मिल गई। अब आपको अच्छी तरह पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है वन, तो यहाँ पे लिखेंगे 1001। ये मुझे किसकी वैल्यू मिला है, ये वैल्यू मिला है ए डैश ए की वैल्यू, मैंने जो गुणा किया था। अब आपको एक चीज और पता है, ये तत्समक आव्यूह है, मतलब इसको हम आई के बराबर भी लिख सकते हैं, या कह सकते हैं ए डैश ए इज इक्वल टू आई, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरह सेम सेकंड क्वेश्चन को अभी हल कर लीजिएगा, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया है सेम इसी प्रकार से हल करना है जैसे मैंने पहले को हल किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला और दूसरा, इसमें दो क्वेश्चन है, मैं इसमें दोनों क्वेश्चन बताने वाला हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग है। सिद्ध कीजिए कि अव्यूह ए इज इक्वल टू का मान दिया है एक सममित अव्यूह है। अब ये सममित अव्यूह क्या होता है इसको हम बताएंगे। सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि अव्यूह ए इज इक्वल टू का मान दिया है एक विषम अव्यूह, विषम सममित है। तो सममित अव्यूह और विषम सममित क्या होता है, इन दोनों को पहले हम बता लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको पहले हम बता दें सममित, जो सममित अव्यूह होता है वो, उसका मतलब होता है ए डैश इज इक्वल टू ए के अगर बराबर आ गया तो वो हमारा सममित अव्यूह। अब विषम सममित का मतलब होता है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, सेम है बस इसमें क्या है माइनस लगा, इसमें नहीं लगा है, तो यही अंतर होता है। चलिए हल करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में ए की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1-15 -1 2 1 and 5 1 3, ये दिया है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू तो दिया है, अब इससे हमें ज्ञात करना है ए डैश, तो ए डैश को परिवर्त कर लेंगे, मिल जाएगा 1-15 -1 2 1 5 1 3, ये मिल गया ए डैश की वैल्यू। अब देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है, ये देखिए सेम का सेम दिख रहा है, ए का मान ये है ए डैश का मान ये, परिवर्तित करने के बाद भी हमें क्या मिल रहा है, दोनों बराबर ही हैं, तो लिख सकते हैं ए डैश बराबर ए, एक सममित सममित अव्यूह है, ठीक है। ए डैश ए में परिवर्तित करने पे भी ए डैश ये मिल रहा है, इसलिए ये सममित अव्यूह है। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ए की जो वैल्यू दिया है वो है 0 1 -1 और -1 0 1, और यहाँ पे दिया है 1 -1 0, ये ए की वैल्यू दिया है, इससे हम ज्ञात कर लेते हैं ए डैश। ए डैश ज्ञात करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 0 -1 1 और 1 0 -1, और यहाँ पे मिल जाएगा -1 1 0, ये मिल जाएगा उसी से ए डैश, या कह सकते हैं ए डैश बराबर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर
एड है इसको हम परिवर्तित करते तो कह सकते हैं माइनस लगाएंगे तो हमें क्या क्या परिवर्तित मिल जाएगा, 0, 1, -1 और यहाँ पे मिल जाएगा -1, 0, 1 और ये हो जाएगा 1, -1, 0। इस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं, मतलब जहां जहां पे माइनस था उसको मैंने प्लस कर दिया और उसको माइनस कर दिया, सभी में माइनस कर लिया यहाँ पे माइनस लगाने के बाद। अब देखिए ये जो मान टोटल दिख रहा है, ये टोटल मान इसके बराबर दिख रहा है, बॉक्स में अभ्यू के अवयव सेम है और यहाँ पे ए इक्वल टू प्लस में था और ये माइनस में, तो इसलिए लिख सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए या ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक विषम सममित अभ्यू है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, अभ्यू ए इज इक्वल टू दिया है 1567 के लिए सत्यापित कीजिए कि इसमें दो क्वेश्चन दिया है, पहला है ए प्लस ए डैश एक सममित अभ्यू है, दूसरा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अभ्यू है। अब देखिए दोनों को मैं हल करके अलग अलग बताता हूँ, सममित अभ्यू के लिए बता देता हूँ फिर विषम के लिए। तो पहला हल करेंगे सममित के लिए, तो ए का जो मान दिया है 1567 यह है ए की वैल्यू, अब इससे हम ए डैश ज्ञात करते हैं तो मिल जाएगा 1567, ठीक है, ए की वैल्यू हो गया, ये ए डैश की वैल्यू हो गया। अब इससे हम ज्ञात कर लेंगे ए प्लस ए डैश, मतलब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिख सकते हैं 1567 और बीच में प्लस लगा लेते हैं 1657, इन दोनों को हम डायरेक्ट जोड़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 1 और 1 मिल सकता है 2 और 6 5 11 और 7 7 14, ये वैल्यू मिल गया ए प्लस ए डैश का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ए प्लस ए का होल डैश ज्ञात करते हैं, ठीक है, सॉरी ए प्लस ए डैश का होल डैश ज्ञात करते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, 2 11 11 14, ये तो वैल्यू है हमारा ए प्लस ए डैश का, ये ही वैल्यू, लेकिन उसके पावर डैश है तो ये डैश हमने लगा दिया। अब इसको डैश का मतलब परिवर्तित करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 2 11 और 11 14, ये मिल गया। अब देखिए ए प्लस ए डैश के पावर डैश, इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर आ रही है, तो कह सकते हैं ये हमारा एक सममित अभ्यू है। कैसे, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश के पावर डैश, ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए ये एक सममित अभ्यू है। आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के लिए निकालना है ए माइनस ए डैश के लिए, तो ए की जो वैल्यू है 1567 ये तो ए की वैल्यू है, माइनस इसका ए डैश ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा 1657, ये हो गया ए, ये है ए डैश। अब इसको हम घटा लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 0 -1 और ये हो जाएगा 1 0, ये हो गया ए माइनस ए डैश का। अब इसी तरह हम इसका पावर डैश कर लेते हैं, मतलब ए माइनस ए डैश का पावर डैश 0 -1 1 0 इसके पावर डैश करते हैं तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा -0 -1 0 1 0। कह सकते हैं जो वैल्यू मैंने निकाला है उसमें माइनस लगा दिया और चिन्ह को परिवर्तित कर दिया, तो इसलिए इसको कह सकते हैं ए माइनस ए डैश के पावर डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश, ये एक विषम सममित अभ्यू है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, सेम इक्वल टू इसके अवयव बराबर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक यहाँ पे ये पूछ रहा है और एक ये पूछ रहा है, मतलब एक में प्लस पूछ रहा है एक में माइनस पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको बता देते हैं, इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो हमें ज्ञात करना है वो है 1/2 ए प्लस ए डैश हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने से पहले हमें ए की जो वैल्यू दिया है लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू दिया है 0 ab - a 0 c - b - c 0, ये है ए की वैल्यू, इससे हमें ज्ञात करना है ए डैश, तो ए डैश बराबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ए डैश हो जाएगा 0 - a - b a 0 - c और यहाँ पे हो जाएगा b c 0, ये हो गया ए डैश की वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है ए प्लस ए डैश, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0
ए माइनस ए बी माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए प्लस ए जीरो सी माइनस सी, एंड इसको जोड़ेंगे इन दोनों को आपस में तो आ जाएगा बी प्लस माइनस बी प्लस बी माइनस सी एंड जीरो, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए ए में से जाएगा, बी में से बी जाएगा, इसको काट देंगे आपस में तो मिल जाएगा जीरो 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 जीरो, और यहाँ पे सभी आपस में जीरो मान मिल जाएगा। या कह सकते हैं हमें ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू का मान मिला है जीरो। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है मान वो है 1/2 ए प्लस ए डैश। तो उसमें 1/2 मतलब 1/2 से हमें भाग करना है, तो 1/2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो उसका टोटल मान आ गया जीरो। इसी तरह सेम दूसरे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, जो पूछ रहा है 1/2 ए माइनस ए डैश को, इसका जो वैल्यू आ जाएगा उसको हम ज्ञात करेंगे, क्या आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अवयुहों को एक सममित अवयु तथा विषम सममित अवयु के योगफल के रूप में लिखिए। हमें सममित और विषम सममित के योगफल के बारे में हमें लिखना है, इसके रूप में लिखना है। इसमें चार क्वेश्चन दिया है, इस चार क्वेश्चन में से हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल टू, दोनों बराबर दिख रहा है इस क्वेश्चन की तरफ, और ये इस तरह क्वेश्चन की तरफ। हम क्या करते हैं इसमें एक इस क्वेश्चन को बता देते हैं, एक इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को इस तरह कर लेंगे आप, इसको इस तरह आप कर लेंगे, तो हम दो क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है 351-1, तो इसको हम मान लेते हैं पी इज इक्वल टू 351-1। ये पी की वैल्यू दिया है, हम यहाँ से पी डैश ज्ञात कर लेते हैं, तो हो जाएगा 315-1, ये हो गया पी डैश। इन दोनों का हम योगफल ज्ञात करते हैं, पी प्लस पी डैश, तो इसका योगफल हम डायरेक्ट ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 3 3 6, और ये 6 6 -2, हम यहाँ पे इसका योगफल ज्ञात कर लिए। अब क्या करते हैं इसको सममित बनाने के लिए 1/2 पी प्लस पी डैश, मतलब उसमें 1/2 से भाग करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1/2 6 6 6 -2, उसमें 1/2 से हम भाग करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 3 3 3 -1, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक सममित के लिए है, सममित अवयु के लिए है 1/2 पी प्लस पी डैश, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये सममित के लिए मैंने मान लिया। अब सेम इसी प्रकार से माइनस के लिए यूज करते हैं, तो माइनस के लिए यूज करेंगे तो पी माइनस पी डैश, मतलब इसमें हमें घटाना है, तो पी की वैल्यू है 351-1, ये हो गया पी की वैल्यू, और माइनस पी डैश की वैल्यू जो है 315-1। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, घटा लेना है। इन दोनों को हम घटाएंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी 0 4 -4 0, ये हो गया p माइनस पी डैश की। अब इसमें भी हमें वही चीज करना है, 1/2 से भाग देना है p माइनस पी डैश, इसको भाग देते हैं तो आ जाएगा सीधे कह सकते हैं 0 2 -2 0, सीधे में इसमें 1/2 से भाग दे दिया, ये आ गया। अब इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है, योगफल मतलब 1/2 पी प्लस पी डैश पहले के लिए सममित के लिए है, अब प्लस 1/2 पी माइनस पी डैश यह है विषम सममित के लिए, इन दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे। मतलब पहले के लिए हमारा था आंसर आया था 3 3 3 -1, ये सममित के लिए आंसर आया था, और प्लस विषम सममित के लिए आया है 0 2 -2 0, यह है विषम के लिए, तो यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर, जो सममित और विषम सममित के लिए मैंने योगफल कर लिया। अब आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पी की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो हम यहाँ से ज्ञात करते हैं पी डैश, तो पी डैश की वैल्यू हो जाएगी 6 -2 2 -2 3 -1, और 2 -1 3, ये हो जाएगा पी डैश। अब इन दोनों का हमें योगफल ज्ञात करना है, मीन्स पी प्लस पी डैश इज इक्वल टू, इसका योगफल हम दोनों को ज्ञात कर लेते हैं, तो 6 6 12 ऑलरेडी जो होते हैं 6 6 12, इस तरह से हम जोड़ते जाते हैं, तो हो जाएगा 12 -4 4, और ये हो जाएगा -4 6 -2 4 -2 6। आप भी थोड़ा जोड़ने में फास्ट हो जाइए, क्योंकि आपके पास समय अगर पर्याप्त तो बचा रहेगा तो ठीक है, नहीं बचा है तो फास्ट हो जाइए। मैंने ये ज्ञात कर लिया, अब इसके बाद 1/2 से मैं भाग देना है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, तो 1/2 से भाग देते हैं, तो लिख सकते हैं 1/2 और अवयु 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। अब इसमें हम सभी में भाग दे लेते हैं, जब भाग देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 6 -2 2,
और यहाँ पे माइनस दो तीन एक, सॉरी माइनस एक, और ये हो जाएगा दो माइनस एक तीन। ये मैंने इस तरह से भाग दे दिया। अब ये क्या है, एक सममित के लिए है। सममित के लिए क्यों है, क्योंकि मैंने प्लस का यूज किया है। अब इसी तरह सेम कंडीशन में माइनस के लिए यूज करता हूँ, पी माइनस पी डैश के लिए। मतलब अब घटाते हैं, तो हम घटा लेते हैं, तो पी की वैल्यू जो रखेंगे वो हमारा दिया है 6 माइनस 2 2 एंड -2 3 -1 एंड 2 -1 3। ये है पी की वैल्यू। माइनस पी डैश की वैल्यू है 6 माइनस 2 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 3। ये है पी डैश की वैल्यू। इन दोनों को हमें घटाना है, तो घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 6 माइनस 2 और ये +2, इस तरह से ये हो जाएगा 0। आप इसको घटा लीजिएगा, सिंपल सा सभी का मान आ जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, 1/2 से भाग देना है। 1/2 पी माइनस पी डैश इज इक्वल टू, इसमें भाग देंगे तो 1/2 × 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसका योगफल हमें ज्ञात करना है, लिख सकते हैं 1/2 पी प्लस पी डैश प्लस 1/2 पी माइनस पी डैश इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू मैंने निकाला है उसको लिख लेते हैं, 6 माइनस 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। ये हमारा है। अब प्लस इसकी जो वैल्यू है 0 0 0, सभी का 0 आया हुआ है, तो कह सकते हैं ये हमारा एक सममित अवयव है। इसी तरह से आप तीसरे और चौथे क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा। देखिए, समान कोटि के अवयव मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है, तो ए बी और माइनस बी ए हमारा क्या होगा, एक सममित अवयव होगा, क्योंकि समान कोटि के हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि ए इज इक्वल टू मान दिया है तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान क्या होगा, इसमें हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करके बताते हैं। तो हल करेंगे, हमें ए की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, मैंने ए डैश इसमें ज्ञात कर लिया, प्लस ए डैश जो कि हमें क्वेश्चन में बोला है, देख लीजिए क्वेश्चन में बोला है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई सिद्ध करना, तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें जो वैल्यू आ जाएगी, कह सकते हैं वो आई के बराबर आनी चाहिए। लिख सकते हैं 2 cos α 0, ये हमने जोड़ लिया 2 cos α। इस तरह से इसका जोड़ ये हो जाएगा और ये इक्वल टू किसके, 1 0 0 1, आई के बराबर है। हमें क्या करना है, ज्ञात करना है अल्फा का मान, तो 2 cos α इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने क्या किया, इस अवयव को तुलना कर दिया, इस वाले को 2 cos α इज इक्वल टू 1, चाहे इसको किसी एक को तुलना करेंगे वही मान आएगा। फिर यहाँ पे cos α इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, या ये किसकी वैल्यू है, लिख सकते हैं cos α इज इक्वल टू 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है cos π/3 की वैल्यू। cos से cos डिवाइड हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू π/3। अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है, π/3 इसमें देखते हैं कौन सा सही है, बी नंबर आप टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, 12 के 12 क्वेश्चन जो 3.3 से बनाई गई है। इसके 3.4 को वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा।